हो मेरी अरज सुनो या मेरा आज आज कुछ रहम मेरे पे खा ले मेरी अरज सुनो या मेरा आज आज कुछ रहम मेरे पे खा ले मेरी अरज सुनो या मेरा जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत का नेम बेटी सत्यवान की जिंदगी तनी से आखरी टेम बेटी सत्यवान की जिंदगी तनी से आखरी टेम बेटी हो बिना पति के दुखियारी की हो गानी बेकार हो जा नहीं हिमाती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा अंदेसा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा ओ अंदेसा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा ओ मेरे दिल पहला गे चोट मेरे दिल पहला गे चोट ओट कर हे यमराज बचाले मेरी अरज सुनो यमराज को छोड़ करके जा चुका है मैं इतनी दुखियारी हूं शबत्री मुझे पता है कि तू दुखियारी है और जिसका पति चला जाता है वो सभी दुखिया हो जाते हैं लेकिन तेरा जो तप है तेरे चेहरे का जो तेज है इसके सामने यमराज भी नतमस्तक होता है और बेटी मैं इसके शरीर में इस लहास में प्राण तो नहीं डाल सकता लेकिन जो तू मांगना चाहती है अच्छा? वो तुझे देने के लिए तैयार हूँ क्या कुछ दोगे कहिए सुन ले मेरी बात को कहिए यमराज जी होशी से झुका लूंगा और इलाहस के अंदर प्राण दोबारा हर गिज भी न डालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हारूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हारूंगा कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो अगर आप देना चाहते हो पहले
मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज, लाज मेरी के हो तुम रखवाले मेरी, पर जे सुनो या मेरा बहुत अच्छे। शावत्री, हाँ तुझे वचन चाहिए। हाँ मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि हीरे जवाहरात महल दुमेले कोठी बंगले जो तुझे चाहिए ये यमराज तुझे देने के लिए तैयार है, लेकिन सत्यवान के प्राणों को छोड़ कर, क्योंकि सत्यवान के प्राण मैंने ले लिए हैं, इन्हें तो मैं दे नहीं सकता, और जो तेरा मन करे वो देने के लिए मैं तैयार। लेकिन यमराज जी, मुझे महल हवेली धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर देना चाहते हो तो तीन वचन दीजिए, उसके बाद मैं आपसे मांगूंगी। तीन वचन चाहते हैं? हाँ मेरी बात को सुन ले। कहिए। मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि बलवीर, बेखट के मांगो सावत्री, दे दिए वचन एक दो तीन, बेखट के मांगो सावत्री, दे दिए वचन एक दो तीन। हो सास ससुर अंधे मेरे हो, का उजियाला दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा सुनिए महाराज, सुना दे। वचन तीसरा, मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और, गौर करे अपना बचा देने वाले मेरी, महाराज सुनो या मेरा। क्या कह रहे उस्तादों के, वापस कर दीजिए। और मेरा तीसरा वचन कि मेरी कोख से एक प्यारा सा बेटा दे दीजिए, क्योंकि मेरे पति के बाद में इस वंश को चलाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे एक बेटा भी चाहिए। शावत्री, हाँ मैंने तुझसे पहले भी कह दिया है कि सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके जो तू मांगेगी ये सत्यवान, ये यमराज मना नहीं करेगा। तो मैंने अपने वचन मांग लिए। तो जो तूने वचन मांगे हैं यमराज तुझे खुशी खुशी इन वचनों को देना चाहता है। आइए सुनिए मेरी बात को। हे सास ससुर ठीक मिलेंगे, हे सास ससुर ठीक मिलेंगे, आंखों का उजियाला दिया छलते लिए
लिया जो छलते जीता मंत्री ने वो वापिस राज तुम्हारा दिया। तेरी कोकते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोकते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। महाराज तीनों वचन पूरे कर दिए। बिल्कुल कर दिए। लेकिन दो वचन तो पूरे हो गए, तीसरा वचन अभी भी पूरा नहीं हुआ। मैंने बड़ी सोच और समझ करके तुझे वचन दिए हैं, और यमराज जो वचन देता है वो वचन हार नहीं होता। अच्छा हाँ। कैसे वचन पूरा किया एक बार बोलना दोबारा से। तेरी कोक से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोक से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। हे ख्याल करो हरे राम फैसले हो। ठिकाने लियाओ रे बिना पति कैसे पतिव्रता पे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज हे यमराज बचन हारो ना मेरा पति जीवाओ रे। और हे यमराज बचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। जिस सती औरत का जति मरद इस दुनिया में ना हो वो बिना पति के माँ कैसे बन सकती है, आपने एक बार भी नहीं सोचा शावत्री? हाँ। तूने अपनी प्रवीण बुद्धि से इस यमराज को अपने जाल में फंसा लिया है बेटी। तूने बातों ही बातों में यमराज फंसा दिया। तो या तो आप वचन हार हो जाइए या मेरे पति को जिंदा कीजिए। मैं तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता, प्रकृति का जो नियम है उससे का उल्लंघन नहीं कर सकता, और मैं अपने वचन हार भी नहीं हो सकता सावित्री। लेकिन जो इंसान फंसाना जानता है वो सुलझाना भी जानता है बेटी सावित्री। ये यमराज तेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है कि जिस बुद्धि से तूने इस यमराज को फंसाया है मुझे इससे निकलने का उपाय भी बताइए। यमराज जी आपने अपने मुख से मुझे बेटी कहा है तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। मुझे इतना बताइए कि मेरी आयु कितनी बकाया है? आपकी आयु अभी 80 वर्ष बची हुई है। 80 वर्ष बची हुई है। तो महाराज मैं आपको इस रास्ते से निकलने का रास्ता बताती हूँ कि जितनी मेरी आयु बची हुई है मेरी आयु में से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए, आधी उम्र मेरे पास में बच जाएगी। और इससे एक काम और बहुत अच्छा हो जाएगा महाराज, किस दुनिया के अंदर सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ महाराज। इससे आपके वचन भी पूरे हो जाएंगे, मुझे भी मेरा पति वापस मिल जाएगा। तो आप ऐसा काम कीजिए। प्रेमी साथियों उस सावित्री ने यमराज को फंसा लिया और किस तरह से वचन भरवा करके अपने पति के प्राणों को मांग लेती है, और उपाय भी बता देती है कि जितनी मेरी उम्र बची हुई है उसका आधा हिस्सा मेरे पति को दे दीजिए, हम दोनों बराबर उम्र के हो जाएंगे। किस तरह से अपने पति के प्राणों को लेती है वो सावित्री लास्ट कली के मां क्या बोलती है? हे यमराज वचन हारो नत मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। ओ यम राज हुए लाचार रे लाचार रे। यम राज हुए लाचार हार के प्राण लहास में डाले। मेरी अरज सुनो यमराज आज कुछ रहम मेरे खाले। मेरी अरज सुनो यमराज